इस चिलचिलाती गर्मी में हर किसी का ठंडा खाने का तो बहुत मन करता है, तो चलिए आज एक सिंपल सा मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो आइसक्रीम, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मैं यहाँ पे मंगाई थी मीशो से कुल्फी मेकर, आज हम इसी में ही आइसक्रीम बनाएंगे, देखते ये कितना काम करता है और कितना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 12 पेयर्स है, हम लोग 12 में ही बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम को बनाना बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी इसे बहुत ही आराम से बना सकता है बिना किसी झंझट का, और हमें आम को पीसना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुछ आम ले लेंगे पके हुए, उसे काट लेंगे छोटे छोटे स्लाइस में, और इसे आप चाहे तो पीस भी सकते है या इसका जूस भी निकाल सकते है। मैं यहाँ पे इसे ना पीसूंगी ना ही इसका जूस निकालूंगी, मैं यहाँ पे इसे छान लूंगी। इसी तरीके से आप मैंगो शेक भी बना सकते हैं। अगर आप मैंगो शेक बनाना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे, मैं यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच चीनी डाली हूँ। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम चीनी डालिएगा, या तो आप शहद भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारा आम को हम निकाल लिए है, देखिए ये बिल्कुल पतला हो गया है। कुछ यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे जैसे बादाम और काजू, इन सबको भी छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अब हम इस आम में 1 गिलास दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाने के बाद हमें अब कुल्फी मेकर को अच्छे से धो लेना है। याद रहे कि कुल्फी मेकर को धोने के बाद ही डाल। यहाँ पे हम कुल्फी मेकर को धो लिए, हम पूरे 12 पीस में इसे अच्छे से जमा लेंगे। आप चाहे तो इसे, जिसके पास कुल्फी मेकर नहीं है, ग्लास में या छोटे वाले ग्लास में भी डंडी लगाकर बना सकते हैं, आप उसमें भी इसे आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स बाद में दिए थे, आप चाहे तो इसे पहले भी डाल सकते हैं, हम बाद में इसीलिए दे रहे हैं ताकि ये दिखने में ज्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे 1 कैनर हम पूरा कर लिए थे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। अब बारी है दूसरे को करने की। यहाँ पे ये 6 पीस है, दूसरा वाला भी 6 पीस है, टोटल 12 आइसक्रीम है। अगर आप यही आइसक्रीम बाहर से खरीदते तो ये आपको बहुत ही महंगा मिलता, लेकिन आप इसे घर पर ही आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरी पार्टी भी आ गई थी जो मक्खी है, इसे भगाने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे और इसे अच्छे से मिला के अब इसे फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो गए हैं, अब इसे फ्रिज से निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो गए थे तभी फ्रिज से निकाले, अब इसे थोड़ा देर पानी में रखेंगे, मुश्किल से 1 मिनट, अब इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी मैंगो आइसक्रीम तो रेडी है। यहाँ पे हमारी मैंगो आइसक्रीम जो झटपट से बन के तैयार हो गई है, देखिए इसे देखते ही मुँह में पानी आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, आप लोगों ने किसको वोट किया है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसका किसका आम फेवरेट है ये भी जरूर बताना, और आपने ये पहले ट्राई किया है कि नहीं ये भी जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।